आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सॉलिड फ्लाईव्हील ऑफ मास m एंड रेडियस r रिवॉल्व्स विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, मेरे पास एक सॉलिड फ्लाईव्हील है, मान लीजिए एक सॉलिड फ्लाईव्हील है, ऐसे मैंने सॉलिड बनाने की कोशिश की इसलिए मैंने बीच में ऐसे किया। ठीक है, ये सॉलिड फ्लाईव्हील है, इसका रेडियस जो है वो क्या है, r है, रेडियस इसका r है और मास जो है इसका m है। ओके, ये बोल रहा है कि एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और ये एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है। ओके, विथ व्हाट फोर्स अ ब्रेक लाइनिंग बी पास्ड अगेंस्ट अगेंस्ट इट फॉर द फ्लाईव्हील टू स्टॉप इट। विथ व्हाट फोर्स ए ब्रेक लाइनिंग बी पास्ड अगेंस्ट इट। एक ब्रेक लाइनिंग है मेरे पास, समझ लीजिए कि ब्रेक है ऐसे, जैसे ट्रेन वगैरह का ब्रेक देखे होंगे आप, कैसा होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे दोनों साइड से ऐसे होते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं तो रुक जाती है, वैसे ही हमारे पास ऐसे एक लाइनिंग है, ये ऐसे ब्रेक लाइनिंग है मेरे पास एक। ओके, और दिया हुआ है कि इसको इधर से एक फोर्स लगा के, एफ फोर्स लगा के हम लोग इस पर दबा रहे हैं, इस पर दबा रहे हैं, तो इस फोर्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए, इस फोर्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि जो फ्लाईव्हील है अगेंस्ट इट फॉर द फ्लाईव्हील टू स्टॉप इन टी सेकेंड्स, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए कि टी सेकेंड में ये फ्लाईव्हील जो है वो रुक जाए। ठीक है गाइज, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन होगा या डीएक्सेलरेशन होगा। तो देखिए ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, ये ऊपर की तरफ, ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। ओके, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ओके, तो मुझे अगर इसको रोकना है तो मुझे अल्फा को इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन का मुझे अल्फा देना पड़ेगा इसमें। तो मैं इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन लिख सकता हूँ कैसे। फर्स्ट मोशन क्या होता है, जैसे होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लीनियर मोशन के लिए, वैसे ही रोटेशनल मोशन के लिए होता है या फिर सर्कुलर मोशन के लिए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, जहाँ ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होती है, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होती है, अल्फा जो होता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन और टी जो होता है वो टाइम होता है। ठीक है गाइज, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी तो जीरो करना है क्योंकि इसको रोकना है, तो ये हो गया जीरो। इनिशियली कितना दिया हुआ है, इनिशियली ओमेगा से घूम रही है, तो ये हो गया ओमेगा। हमने अभी देखा कि ओमेगा की डायरेक्शन ये है एंटी क्लॉकवाइज, अल्फा की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, यानी अल्फा की डायरेक्शन जो है वो ओमेगा के डायरेक्शन की उल्टी है, यानी माइनस अल्फा। ठीक है, क्योंकि अल्फा ही हमको फाइंड करना है इनटू टी, टी सेकंड में रुकना है इसको, तो अल्फा की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई ओमेगा बाई टी। ओके गाइज, अल्फा की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, ओमेगा बाई टी। ओके, अब गाइज अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो डेफिनेटली ये सेंटर के अबाउट घूम रहा है और मैं इस पर एक फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये घूम कैसे रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इन दोनों सर्फेसिस में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है। मैं इस सर्फेस को मैंने यहाँ पे बनाया ऐसे, यहाँ पे ये सर्कुलर है और ये जो मैं लगा रहा हूँ ब्रेक वो है, तो इन दोनों सर्फेसिस में रिलेटिव मोशन है तो इस पर एक फोर्स लगेगा, और फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, यानी इधर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ। फ्रिक्शन फोर्स मैं क्या कह देता हूँ एफ, तो एफ की वैल्यू क्या होती है गाइज, एफ की वैल्यू होती है म्यू एम जी नहीं होती है, एफ की वैल्यू होती है गाइज म्यू इंटू नॉर्मल। एफ की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू नॉर्मल। यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रही है, यानी यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लेंगे हम लोग। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशियंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू इंटू नॉर्मल। ओके, अब ये नॉर्मल जो है वही तो ये फोर्स वो है जो हम लोग लगा रहे हैं, जैसे अगर ये इस पे फोर्स एम लगा रहे हैं, एफ लगा रहे हैं, तो ये इधर इस पे नॉर्मल एन लगा रहा होगा, तो क्या एफ की वैल्यू एन के बराबर हो जाएगी, फोर्स जो इस पे लग रहा है वो नॉर्मल के बराबर हो जाएगी, तो वही फोर्स मैंने लिख दिया, तो एफ फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, म्यू एफ। ठीक है गाइज, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू एफ, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वो नॉर्मल के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे इतना समझ में आ गया, तो टॉर्क की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगुलर रोटेशनल मोशन में टॉर्क की वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये जानते हैं हम लोग।
टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। हम लोग जानते हैं कि एंगुलर मोमेंट रोटेशनल मोशन में हम लोग फोर्स को टॉर्क से रिप्लेस करते हैं और मास को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस कर सकते हैं और एक्सेलरेशन को हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो टाउ की वैल्यू देखिए यहाँ पे, टाउ की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाउ की वैल्यू होती है, टाउ इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो आर क्रॉस एफ यानी आर इंटू फ्रिक्शन फोर्स, आर इंटू ये देखिए ये आर है, ये आर और ये फ्रिक्शन फोर्स ऐसे। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ इसको तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ऊपर की तरफ और ये सेंटर है और ये डिस्टेंस जो है वो क्या है आर है, ये डिस्टेंस आर है और ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है ऐसे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, आर इंटू एफ यानी आर इंटू एफ की वैल्यू, टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ, सॉरी ये फ्रिक्शन फोर्स है, तो एफ की वैल्यू यहाँ से म्यू एफ, म्यू एफ। ठीक है गाइज, इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस सॉलिड, क्योंकि ये सॉलिड फ्लाईव्हील है, सॉलिड फ्लाईव्हील के लिए ये डिस्क की तरह बिहेव करेगा यानी एम आर स्क्वायर बाई टू, यानी एम आर स्क्वायर बाई टू और अल्फा, अल्फा की वैल्यू ओमेगा बाई टी। ठीक है गाइज, बाकी सब लोग हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, बस इसमें मैथ्स बचा हुआ है, फिजिक्स का काम खत्म हुआ। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एम आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई टू म्यू एफ, टू म्यू टी आर। ठीक है गाइज, एम आर स्क्वायर ओमेगा आर। ठीक है, ये आर एक आर को तबाह कर देगा, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा जो फोर्स की वैल्यू बचेगी वो बचेगा हमारे पास एम आर ओमेगा डिवाइडेड बाई टू म्यू टी। ओके, तो ये जो होगा वो एम आर ओमेगा बाई टू म्यू टी करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है गाइस, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।